बीमारियों को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार अलर्ट है। सीएम विष्णुदेव साय ने निर्देश जारी कर दिए हैं कि डायरिया मलेरिया के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएं, स्वास्थ्य केंद्रों में दवाओं का पर्याप्त भंडार रहे। तो देखिए जो पूरी सियासत चालू हो रखी है डायरिया को लेकर, उस पर अब मुंह तोड़ जवाब देते हुए छत्तीसगढ़ सरकार, बीमारियों को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार अलर्ट हो गई है। सीएम विष्णुदेव साय ने निर्देश जारी कर दिए हैं अधिकारियों को, नेताओं को, कि डायरिया मलेरिया और इस तरीके की जल जनित बीमारियां जो है उनके लिए स्वास्थ्य शिविर लगाए जाए, स्वास्थ्य केंद्रों में दवाओं का पर्याप्त भंडार रहे। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए रुख करूंगी मेरे सहयोगी खोमन साहू, जुड़ गए हैं मेरे साथ रायपुर से। खोमन, ये छत्तीसगढ़ सरकार की अनोखी पहल कह दें या फिर कह दें कि अलर्ट नजर आ रही है छत्तीसगढ़ सरकार, इस पर क्या है पूरी जानकारी? देखिए, जानकारी ये है अंजलि कि अब जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो एक एक घर पे जाएगी और घर जाकर सर्वे करेगी। सर्वे में जो निकल के आएगा उसके बाद जो भी पीड़ित होगा उसको दवाइयों का वितरण किया जाएगा। सरकार ने निर्देश दे दिए हर एक अधिकारियों को कि स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जो भी लापरवाही है वो अब नहीं सही जाएगी। अगर मौत होगी तो वहाँ के सीएमएचओ हैं, वहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी है वो नपे जाएंगे। कल ही आपने देखा थी कैसे बिलासपुर में जो डायरिया फैली उसको लेकर उप मुख्यमंत्री वहां का दौरा किए, अस्पताल का दौरा किए, वहां के जो पीड़ित लोग हैं उनसे हाल चाल जाना, उनसे बातचीत करते हुए नजर आए। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कवर्धा में जो डायरिया फैली है वहां पहुंचे थे, वहां के आदिवासी इलाकों का उन्होंने दौरा किया, अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए नजर आए। आज की बात की जाए तो आज स्वास्थ्य मंत्री जो मोटा केबिन में जो बीजापुर जिले के अंतर्गत आता है वहाँ मलेरिया से दो बच्चों की मौत हुई है, बिल्कुल वहाँ निरीक्षण करने जा रहे हैं। सरकार ने जो संज्ञान ले लिया है तो मुख्य तौर पर क्या निर्देश जारी कर दिए हैं वो भी बता दीजिए। देखिए, निर्देश यही जारी किए गए हैं कि जो भी अधिकारी लापरवाही पूर्वक काम करेगा उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करेगी, क्योंकि लगातार जो मौतें सामने आ रही उससे कहीं ना कहीं सरकार गंभीर है और सरकार चाहती है कि कोई भी व्यक्ति का छत्तीसगढ़ में बीमारियों से मौत ना हो। और एक एक घर का सर्वे करने की बात कही है, जो भी डायरिया से मलेरिया से पीड़ित है उसके घर का सर्वे किया जाएगा, उसको दवाई वितरण किया जाएगा, उसको मच्छरदानी दिया जाएगा ताकि जो लोग हैं वह स्वस्थ रह सके। और यही कारण है कि जो स्वतः संज्ञान सरकार लगातार ले रही है, आज स्वास्थ्य मंत्री जब बीजापुर जा रहे हैं तो बीजापुर में कल ही हमने बातचीत की थी, स्वास्थ्य मंत्री थे बीजापुर में, उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं सही जाएगी। और यही कारण है कि वो ग्राउंड पे जा रहे हैं, ग्राउंड पर जाएंगे और जाके देखेंगे कि आखिर बीमारी किस कारण फैल रही है। बिल्कुल, तो अब सरकार इस पूरे मामले को लेकर गंभीर नजर आ रही है क्योंकि डायरिया का जो प्रकोप है वो लगातार प्रदेश में जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया खोमन तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हम बात करें कि छत्तीसगढ़ में डायरिया का प्रकोप लोगों को डरा रहा है, छत्तीसगढ़ के कई जिले इसकी चपेट में है, तो सरकार भी इस मामले पर अब पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। बरसात का मौसम आते ही छत्तीसगढ़ डायरिया की चपेट में आ गया है। बिलासपुर में डायरिया के मरीज लगातार मिल रहे हैं। जिले में अब तक डायरिया के 150 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। बिल्हा, रतनपुर और मस्तूरी क्षेत्र में भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बिलासपुर के बिल्हा क्षेत्र में डायरिया से एक युवती की मौत भी हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शिविर लगाने और दवा बांटने की बात कह रहे हैं। जांजगीर में भी डायरिया लगातार पैर पसार रहा है, यहाँ भी दो नए मरीज मिले हैं। इससे पहले अब तक जांजगीर में 70 से ज्यादा डायरिया के मरीज मिल चुके हैं। इस खबर को विस्तार न्यूज ने प्राथमिकता से दिखाया था, जिसके 24 घंटे में ही सरकार ने स्वास्थ्य कैंप लगाया और मरीजों की संख्या में भी कमी आई है। बालोदा में फिलहाल 26 मरीज डायरिया के भर्ती हैं, वहीं दूसरे अस्पतालों में भी कुछ मरीजों का इलाज चल रहा है। लेकिन जानकारी के अनुसार बारिश से पहले मोहल्ले में पानी की सड़ी हुई पाइपलाइन को समय रहते नहीं बदला गया और इसी पाइपलाइन से सप्लाई होने वाला पानी लोगों के घरों तक पहुंचता रहा और अब जिसके चलते लोग लगातार बीमार पड़ रहे हैं। इस बीच बढ़ते डायरिया को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के विधायक और पूर्व विधायक ने डायरिया पीड़ितों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना है। इस दौरान दोनों विधायकों ने मौजूदा सरकार और स्थानीय प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कई सवाल भी खड़े किए हैं। कभी बस्तर में मलेरिया से मौत नहीं हुई 5 साल में हमारी सरकार रही। हमने मलेरिया मुक्त बस्तर का अभियान चलाया था, घर घर गए थे, एक एक व्यक्ति का रिपोर्ट बनाए थे
और जो भी पॉजिटिव पाए गए उसके इलाज की व्यवस्था की गई। लेकिन अब मलेरिया से मौतें हो रही है, डायरिया से मौत हो रही है, ये सरकार कुछ कर नहीं रही है, केवल वसूली करने में लगी हुई है। मामले को बहुत गंभीरता से लिया गया है, उच्च अधिकारी लगातार इस मामले के संपर्क में हैं और जांच हो रही है। जांच में जो भी इसके पीछे पाया जाएगा सख्त से सख्त कार्यवाही होगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश के डिंडोरी में भी डायरिया से एक बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं 5 लोगों की हालत अभी भी गंभीर है। अमरपुर विकास खंड के मनोरी गांव में भी करीब 1 सप्ताह से डायरिया का प्रकोप जारी है और गांव में डायरिया से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन डायरिया कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, इससे कैसे बचा जाए चलिए आपको ये बता देते हैं। दरअसल डायरिया से बचने के लिए सबसे पहले बाहरी भोजन का सेवन कम करना जरूरी है। साफ और स्वच्छ पानी का उपयोग करें। पानी को हमेशा उबाल कर पिएं। उल्टी दस्त की समस्या होने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लें और गंदगी वाली जगहों से बचें। साथ ही साथ साफ सफाई का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। बढ़ते डायरिया के प्रकोप को रोकने के लिए एक और स्वास्थ्य विभाग अपनी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसे समय में जरूरी है कि आम नागरिक भी अपनी सावधानी बरतें और अपना ख्याल रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और देखिए, बिलासपुर में लगातार डायरिया मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिले में डायरिया मरीजों की संख्या 250 के पार हो गई है। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने बिलासपुर में रतनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया और डायरिया पीड़ित मरीजों से मुलाकात भी की और उनका हाल भी जाना। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने स्वास्थ्य केंद्रों के हालात का जायजा लिया। वहीं अरुण साव ने अधिकारियों को डायरिया को कंट्रोल करने के निर्देश भी दे दिए हैं। सरकार अलर्ट नजर आ रही है और ये तस्वीर बिलासपुर से निकलकर सामने आई, जहां डिप्टी सीएम अरुण साव मरीजों का हालचाल जानने के लिए पहुंचे। तो वहीं खबर जांजगीर चांपा के बलौदा से है, जहां करमंदा गांव में डायरिया के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। डायरिया के फैलते रूप को दिखाने के बाद विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद गांव में 24 घंटे का स्वास्थ्य कैंप लगाया गया। करमंदा गांव में अब तक 72 लोग डायरिया से प्रभावित हो चुके हैं, जिसमें बलौदा CHC में 26 मरीज भर्ती है। PHE विभाग ने पानी का सैंपल लिया है और बोर को बंद किया गया है। फिलहाल PHE की रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। और देखिए, अगली बड़ी खबर मिल रही है मध्य प्रदेश से। सीएम डॉक्टर मोहन यादव मंत्रालय में लगातार आज बैठकें करने वाले हैं। अलग अलग विभागों की वो करेंगे समीक्षा, पर्यटन बोर्ड के संचालन और वार्षिक साधारण सभा की लेंगे बैठक। फिर साथ ही साथ धार्मिक सांस्कृतिक लोक के निर्माण और विकास का जानेंगे हाल। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की समीक्षा करने वाले हैं। आज मैराथन बैठकें चलने वाली है। आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव मंत्रालय में लगातार बैठकें लेंगे, अलग अलग विभागों की करेंगे समीक्षा। कौन कौन से विभागों का नाम सामने आ रहा है, पर्यटन बोर्ड के संचालन और वार्षिक साधारण सभा की लेंगे बैठक, धार्मिक सांस्कृतिक लोक के निर्माण और विकास का जानेंगे हाल। इस खबर पर अधिक जानकारी ले लेते हैं। मेरे साथ जुड़कर मेरे सहयोगी विवेक पांडे भोपाल से। विवेक, आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव मंत्रालय में लगातार बैठकें करने वाले हैं, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, क्या कुछ चर्चा होने वाली है? देखिए अंजलि, मुख्यमंत्री मोहन यादव करीब 4 घंटे तक मंत्रालय में मौजूद रहेंगे और कई विभागों की बैठक लेंगे। सबसे पहले पर्यटन विभाग की बैठक होगी, इसके अलावा सांस्कृतिक विभाग की बैठक होगी, जिसमें तीर्थ दर्शन योजना को लेकर मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे। सरकार बड़े स्तर पर देश भर में तीर्थ स्थलों में श्रद्धालुओं को भेजने की तैयारी में है। पिछले 1 साल से ये योजना पर ज़्यादा काम नहीं किया गया, अब राज्य सरकार ने नया बजट पेश कर दिया, तो इस योजना के तहत मध्य प्रदेश में बुजुर्गों को अब योजना का लाभ दिलाने के लिए सरकार ने नए सिरे से कवायद शुरू कर दी है। कुछ नए तीर्थ स्थल भी जोड़े गए हैं और जैसा कि आपको पता है कि पूर्व की सरकार ने तो एयर सुविधा उपलब्ध कराई थी और एयर सुविधा के जरिए तीर्थ दर्शन की व्यवस्था बनाई थी, तो इस बार भी राज्य सरकार यही कोशिश करेगी। और सबसे एक बड़ी बात है कि एक और अहम बैठक होने वाली है मुख्यमंत्री आवास से, सामंतों से मुख्यमंत्री बैठक करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में राजस्व को लेकर सबसे ज्यादा शिकायतें आ रही है। जमीन के नामांतर
हस्तांतरण, बंटवारे और सीमांकन को लेकर सबसे ज्यादा शिकायतें हैं, तो ऐसे में प्रदेश स्तर पर राजस्व महाअभियान की शुरुआत राज्य सरकार करना चाहती है। मुख्यमंत्री तमाम सारे राजस्व के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा मंत्रालय में एक और बैठक है, जन अभियान परिषद की बैठक है, और जन भागीदारी के तहत क्या क्या कार्यक्रम किए जा सकते हैं इसको लेकर मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे। और साथ ही मध्य प्रदेश में तीर्थ दर्शन योजना के अलावा जो बड़े तीर्थ दर्शन है उनको राज्य सरकार बड़े स्तर पे वृहद लोक पे निर्माण करना चाहती है, जैसे कि महाकाल लोक है, सलकनपुर में देवी लोक बिल्कुल है। तीर्थ इस तरह से योजना की समीक्षा करेंगे, साथ ही साथ अलग अलग विभागों की बैठकें भी लेने वाले हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है, जहां पर एनएसयूआई सीएम हाउस का घेराव करने वाला है। भोपाल में सीएम हाउस का एनएसयूआई करेगा घेराव। चिकित्सा शिक्षा मंत्री के बाद सीएम आवास का घेराव करने की तैयारी में है एनएसयूआई। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी के नेतृत्व में यह घेराव होगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी इसमें शामिल होंगे। नीट पेपर लीक, नर्सिंग घोटाले को लेकर यह घेराव किया जाएगा। तो मुद्दे कौन से रखे जा रहे हैं, नीट पेपर लीक वाला मुद्दा, नर्सिंग घोटाले वाला मुद्दा, ये वही मुद्दे हैं जिसको लेकर विधानसभा सत्र के दौरान भी कांग्रेस पार्टी ने सरकार को जमकर घेरा था। अब जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि एनएसयूआई सीएम आवास का भी घेराव करने वाली है। भोपाल में सीएम हाउस का एनएसयूआई करेगा घेराव। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी के नेतृत्व में यह घेराव होगा। इसके साथ ही साथ कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता भी इसमें शामिल होंगे। नीट पेपर लीक, नर्सिंग घोटाले को लेकर यह घेराव किया जाएगा। और देखिए, रायपुर में माफिया गैंग ने फायरिंग कर शहर में दहशत फैला दी है। दो नकाबपोश शूटर्स ने झारखंड में सड़क बना रहे रायपुर के कारोबारी को निशाना बनाने के लिए पहुंचे थे, और शूटर्स ने यहां 3 राउंड की फायरिंग की। पहले इन शूटर का संबंध अमन साहू गैंग से बताया जा रहा था। अब कहानी में ट्विस्ट आ गया है और इस घटना की जिम्मेदारी मयंक सिंह ने ली है। क्या है पूरी कहानी, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। रायपुर के तेली बांधा थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह मशहूर कोयला कारोबारी पीआरए ग्रुप के ऑफिस के बाहर गोली चल गई। बताया जा रहा है कि अमन साहू गैंग के 2 शूटरों ने 2 राउंड हवाई फायर किया और वहां से भाग खड़े हुए। हालांकि गोलीकांड में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और कोयला कारोबारी भी सुरक्षित हैं, लेकिन इस घटना के बाद रायपुर पुलिस अलर्ट मोड पर है और पूरे शहर में नाकेबंदी कर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। तेली बांधा थाने अंतर्गत पचपेड़ी नाका और तेली बांधा के बीच में सर्विस रोड में कारोबारी का ऑफिस है, वहाँ पर फायरिंग घटना हुई है। दो नकाबपोश मोटरसाइकिल में सवार होकर आए और उन्होंने हवाई फायरिंग वहाँ की है और वहाँ से फरार हुए हैं। उनकी मोटरसाइकिल मिल चुकी है, पुलिस ने घेराबंदी कर और नाकेबंदी कर के दबाव में उन्होंने मोटरसाइकिल छोड़ के फरार हुए हैं। हमारी टीम लगी हुई है, विशेष टीम बनाई गई है इसके लिए, अलग अलग जगहों पर भेजी गई है। पुलिस ने दबाव बनाकर उनको भागने से यहाँ रोका है और उन मोटरसाइकिल छोड़कर उनको भागना पड़ा है। तो पुलिस तत्परता से काम कर रही है और जल्दी से इसमें कुछ निकल के आएगा और आरोपियों को हम गिरफ्तार करेंगे। आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही छत्तीसगढ़ पुलिस ने प्रदेश के 2 कारोबारियों की हत्या करने आए अमन साहू गैंग के 4 शूटरों को गिरफ्तार किया था और जांच में ये सामने आया कि अमन साहू गैंग के गुर्गे प्रदेश के कारोबारियों को लगातार निशाना बना रहे हैं। हालांकि इस गोलीकांड को लेकर कंपनी के लोग तो कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं, लेकिन चश्मदीर इसके बारे में खुलकर बोल रहे हैं। ये भैया हैं, इन्होंने सुना था और ये यहाँ पर काम कर रहे थे उस वक्त। कितनी देर की घटना है, आपने क्या क्या सुना था जब गोली चली? 11 बजे लगभग। कितने राउंड फायरिंग हुई थी? अब हम लोग तो भैया यहाँ काम कर रहे थे, टायर वायर निकाल रहे थे, देखे तो उधर गोली चला, फिर आवाज सुने हम लोग तो गए उधर। आपका क्या शुभ नाम है? कृष्ण कुमार वर्मा। फिर वो इधर को गए थे कि उस साइड? अब उधर किधर गया वो नहीं देखे पाए, तो फायरिंग की आवाज सुनकर आवाज सुने हाँ हाँ निकले, फिर वो चले गए थे उधर। फिर उधर का गार्ड वार्ड लोग भी निकल गया था। अच्छा, हाँ। और फिर पुलिस आई थी बाद में? हाँ, बाद में पुलिस आया था। तब इस मामले में एक नया मोड़ सामने आ गया है, जहाँ एक तरफ गोलीबारी का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो वहीं मलेशिया में बैठे मयंक सिंह ने पूरी घटना की जिम्मेदारी लेते हुए एक पोस्ट किया है, जिसमें उसने धमकी देते हुए लिखा है कि झारखंड में अब रेलवे, रोड, बालू, सिविल कंस्ट्रक्शन समेत अन्य कोई बिजनेस करेगा तो उसे मुझे यानी कि मयंक सिंह को मैनेज करना होगा। साथ ही उसने धमकी भी दी है, कारोबारी और कर्मचारी तो निशाने पर हैं ही, पर वो पहले कंपनी में काम करने वाले स्टाफ और उनके परिवार को निशाना बनाएगा।
अब जब दिन दहाड़े गोलीबारी की वारदात हो गई है तो इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। इस पूरे मामले को लेकर भूपेश बघेल ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार आने के बाद राजधानी में चार बार गोली चल गई है, चाकूबाजी तो आए दिन हो रहा है, सरकार से कानून व्यवस्था नहीं संभल पा रही, छत्तीसगढ़ में भयावह स्थिति है, छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ के रूप में परिवर्तित हो रहा है। वहीं सरकार की तरफ से गोलीबारी को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पिछली बार भी गोलीबारी हुई थी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग और अमन साहू का नाम सामने आ रहा था, हमारी पुलिस ने उनको पकड़ा था, इस घटना को लेकर पुलिस लगी हुई है, आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। विष्णुदेव साय की सरकार में राजधानी में ही अकेले राजधानी में चार बार गोलियां चल चुकी है, चाकूबाजी तो आए दिन हो रहा है, हत्याएं हो रही है, तो इससे कानून व्यवस्था इसे संभल नहीं रहा है, तो स्थिति बहुत भयावह है, छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ के रूप में परिवर्तित हो रहा है। सर, जो पिछली बार भी गोलीबारी हुई थी और हमारी पुलिस मुस्तैदी के साथ अपराधियों को पकड़ के जेल में डालने का काम की, जिसमें लॉरेंस ग्रुप, अमन साहू का ग्रुप था, और इसमें भी पुलिस लगी है और बहुत जल्दी इनको भी पुलिस पकड़ लेगी। फिलहाल घटना को लेकर पुलिस लगातार सीसीटीवी चेक कर रही है, इसके अलावा नाकेबंदी कर आरोपियों की तलाश कर रही है, लेकिन बिगड़ते कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर आने वाले 24 जुलाई को कांग्रेस विधानसभा का घेराव करने वाली है। अब देखना यह होगा कि कानून व्यवस्था सुधरती है या फिर इस पर सियासत होती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज़।